इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल दो धर्म पर चर्चा हुई थी, भ्रातृ धर्म और शिष्ट धर्म। मित्र धर्म रह गया था थोड़ा। श्री हनुमान जी माध्यम बने, और भगवान को लाकर सुग्रीव जी की उनसे मैत्री कराए। ले जाकर मैत्री कराना तो समझ में आता है, नीचे से ऊपर उठाकर पहुंचाकर रचना बनाकर और सुग्रीव जी से मैत्री हनुमान जी महाराज ने कराई। सुग्रीव जी भगवान के अद्भुत सखा हैं। श्री हनुमान जी ने परिचय कराते समय कहा था, नाथ शैल पर कपिपति रवई, रही कौन सो सुग्रीव दास तव अहई। अहई माने है, रही और अहई दोनों का एक ही अर्थ है। स्थान के हिसाब से उनका अर्थ बदलता है। शैल पर कपिपति रही और दास तव अहई, यहां बड़ी सूक्ष्म मर्म की बात यह है कि दास हुआ जाता है, दास बना नहीं जा सकता है। आप किसी को दास नहीं बना सकते हैं। अपने देश में पहले दास और दासी प्रथा चलती थी। दास माने जिससे लोग सेवा कराते थे, अपने अपने हिसाब से रखते थे, वो चाकर परंपरा है, वो दास परंपरा नहीं। श्री हनुमान जी असत्य को संभाषण करें। व्यक्ति दो कारणों से असत्य बोलता है, या तो उसको अपना निजी कोई लाभ दिखाई पड़े, अथवा उसको किसी से भय हो। दोनों से जो मुक्त है वो असत्य नहीं बोल सकता है। आप अपने नगर में कई लोगों को जानते हैं, चाहे जो हो जाए वो असत्य नहीं बोल सकते हैं। उनसे कोई गवाही भी नहीं करवाता है, नहीं आप मेरी ओर से, नहीं नहीं, बोले मैं सत्य बोलूंगा, चाहे तुम्हारा काम बने चाहे बिगड़े। हर व्यक्ति अपने अपने प्रकार से जीवन को जीता है। सुग्रीव जी के लिए श्री हनुमान जी महाराज यही कहते हैं, दास तव अहई। परंतु जब भगवान पहुंचे हैं सुग्रीव जी के यहां पर्वत पर, तो भगवान ने सुग्रीव जी को देखा। इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, दास के नेत्रों में दुख नहीं होता। पीड़ा नहीं होती है। श्री हनुमान जी कहते हैं,
सेवक सुत पितु मातु भरोसे रही असोच बनई प्रभु पो। सेवक अपने स्वामी के भरोसे रहता है और बच्चा अपनी मां के भरोसे रहता है। उसको यह विश्वास है कि हमारी चिंता हमारी मां करेगी, हमारी चिंता हमारे स्वामी करेगा। यह साधना है। चिंता करके भी क्या हो सकता है? कल एक खबर आई है, हम तो आज चले जाएंगे, फिर भी जैसे पहले सावधानी बरती जा रही थी वैसे फिर सावधानी शुरू होगी। इसलिए भीड़ से बचा जाए। अभी आया नहीं है, हो सकता है लहर आए, भीड़ भड़ाका से बचें, बाहर से निकलें तो हाथ पांव व्यवस्थित रूप से धोएं, सैनिटाइज करें और बाहर का कुछ खाएं ना। सावधानी रही तो कोई विघ्न व्याधि नहीं आवेगी। डरने का काम नहीं है, परंतु सावधान तो रहना चाहिए। सावधान रहने में कौन सा पैसा लगना है, बल लगना है, सावधानी बरती है। बाजार का नहीं खाएंगे तो कोई मर थोड़ी जाएंगे, खाएंगे तो खतरा है। इसलिए सावधानी पूरी रखी जाए जितना हम रख सकते हैं। बहुत आवश्यक न हो तो दरबार करने की क्या आवश्यकता। ये हम धीरे धीरे संभालें अपने को। जिनके दोनों टीके लग गए हैं भाग्यशाली हैं, जिनका बच गया है वो लगवा लें, वैक्सीनेशन अवश्य कराइए। दवा का आश्रय न करना पड़े इसके लिए प्राणायाम और वस्त्र का किया जाए, शरीर को फिट रखा जाए। शरीर में प्रमाद उत्पन्न हो ऐसा काम न करें, जो शरीर को व्यवस्थित न करे वो असन ही ग्रहण न किया जाए। एक निवेदन है, संदेश है, खबर आई है, महाराज ऐसी सूचना कर दें तो मैंने एक तंत्र के अनुसार आपको सूचित कर दिया। सुग्रीव के नेत्रों में भगवान ने पढ़ा, ये दुखी है। सुग्रीव ने वो मैत्री के पश्चात मां के द्वारा गिराया गया वस्त्राभूषण प्रभु को भेंट किया, भगवान ने हृदय से लगाया, नेत्र सजल हो गए। सुग्रीव जी ने निष्ठा दी, सब प्रकार सेवा करूंगा, जिस प्रकार जानकी मैया मिलेंगी आप। अब देखिए विकट बात यह है कि जब सुग्रीव के पास कुछ नहीं है तब उन्होंने संकल्प लिया है। सुग्रीव अभी राजा नहीं हुए, सुग्रीव के पास कुछ नहीं है, बाल इन्हें मारकर भगाया है इनको। संकल्प क्या है? सब प्रकार सेवा करूंगा। अरे जब कुछ है या नहीं है तो सेवा का खाक करियो। जिसके पास होगा वो न सेवा करेगा, ये तो भगाए गए। अब भगवान ने कुशल पूछी। श्री हनुमान जी कह रहे थे कि आप कपिपति हैं तो आप यहां कैसे रहते हैं? परिवार की पूरी कथा सुग्रीव ने सुनाई। मायावी असुर की कथा सुनाई, जिससे लड़ने ललकारने पर बाल गए थे,
और बोले लड़ते लड़ते उनको बहुत समय हो गया, कई दिन हो गए, रक्त की धार जब गुफा से निकली तो मैं सोचा कि बाल को मार दिया वाकर हमको भी मारेगा, सिला दे इतह चले पर आई। मैं आ गया महाराज, मंत्रियों ने देखा कि राजा नहीं है तो राजाहीन राज्य का कोई महत्व नहीं होता, तो हमको बरियाई से राज दे दिया। इतना साफ सुथरा बता रहे हैं सुग्रीव जी, जैसे अपनी कोई गलती भई नहीं, राम जी के सखा हैं। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि जब वो किसी की निंदा करता है तो अपनी प्रशंसा करता है, तो कई लोग अपनी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं तो बगल में जो बैठा रहता है उससे कहते हैं उसके आप इनसे पूछ लीजिए, मेरे बारे में इनसे पूछ लीजिए, भाई अपने मुंह तुम आपन करनी बार बार अनेक भांति बहु बरनी वीर वृति तुम धीर अशोभा गारी देत न पावत शोभा। अपनी ही प्रशंसा, और कम पड़े तो साथ में एक और वाह कंपनी का सदस्य कहे। अब परिस्थिति में जो स्थिति मेरे सरकार की है वही स्थिति सुग्रीव की है, दोनों के चिंतन और सोच में अंतर है। राम जी ने त्याग दिया है और सुग्रीव जी का छीन लिया गया है, परिस्थिति एक है। मेरे सरकार ने त्याग दिया और सुग्रीव जी का रिपुसम मोहि मारिस अति भारी हर ली निस सरबस अरु नारी। आप जरा चिंतन करिएगा, दोनों लोगों की परिस्थिति एक है, मनस्थिति अलग है। भरत भैया लेके आए थे राज ले लीजिए, तो भगवान ने कहा कि ये मेरा नहीं, 14 वर्ष बन का राज हमारा, आप संभालो। राज इनके पास भी नहीं है और राज इनसे भी लिया गया है, बड़े भाई राज ले लिए चलो सेवा करो। नहीं 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 नहीं, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।